जबरदस्त जो है ना शवारमा अंदर से निकल आया, और ये देखें क्या बात है, वेरी नाइस है, एक्सट्रीमली डिलीशियस। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ते हैं। वाओ, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप लोग, एक मतलब फिर बंस रोड फूड स्ट्रीट, और बंस रोड फूड स्ट्रीट खत्म ही नहीं होके दे रही, हॉट एंड सिजलिंग पे इस वक्त हम लोग आ चुके हैं। और देखना ये है कि अभी तक जो है ना बंस रोड फूड स्ट्रीट पे ट्रैफिक जो है ना अब तक बंद नहीं किया, बाइक्स वगैरह अभी तक चल रही हैं। और यहाँ देखें बहुत ही ज़बरदस्त सा जो है ना मुझे यहाँ शवारमा वगैरह नज़र आया है, बेहतरीन। तो भाई क्या हाल है, शवारमा कितने का है? चिकन 120 का है, बीफ 140 का है। अभी तुम्हारे पास चिकन लगा हुआ जी? चिकन और बीफ कहाँ से लाओगे सर? अच्छा, क्या रेट बता रहे हो तुम, रेट बताओ जी। सर चिकन 120 का है, बीफ 140 का है, चिकन चीज़ 160 का है, बीफ चीज़ 180 का। अच्छा, एक काम करो, एक बीफ चीज़ जो है ना वो हमें दे दो, और उसको आज हम ब्लॉग करेंगे और इंशाल्लाह यूट्यूब पे डालेंगे आपको। मेन आपके बॉस किधर है? वो है बॉस। चलो भाई, बॉस भी मिल गए, बॉस से भी बात करते हैं। हॉट एंड सिजलिंग के नाम से है। उससे पहले आप लोगों ने जाना होगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, हर्ष उस्मानी ब्लॉग्स फूडी पाकिस्तानी अनबॉक्सिंग। अस्सलाम वालेकुम भाई जान। वालेकुम सलाम जी, आपका अपना वेंचर है? बिल्कुल। क्या सीन है जरा बताएं, इसके हवाले से क्या क्या चीज़ें आप लोग प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे? फास्ट फूड है हमारे पास, चाइनीज़ है और शवारमा से। तो ये सारी स्पेशल आपकी अपनी रेसिपीज है या कहीं से आप लोगों ने इंटरनेट से निकाली है? क्या अपनी रेसिपीज है हमारी? ये सूप भी है हमारे पास। ओके ओके, ये फ्राइज हो गए, पिज्जा फ्राइज, बर्गर, सैंडविचेस, क्या बात है, रोस्ट आ गए, ये चाइनीज में आ गए, सारी चीजें फ्रेश बनती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सब फ्रेश बनती है। ओके, और ये शवारमा से हमारे पास। अच्छा, कितना टाइम हो गया आपको वैसे यहाँ पे? ये यहाँ पर बेसिकली मुझे 3 मंथ्स हो गए। 3 मंथ्स हो गए, और माशाल्लाह जब से फूड स्ट्रीट का काम शुरू हुआ है माशाल्लाह सेटिंग हो गई है। वैसे मुझे 8 साल हो गए काम करते, यही काम करते हुए। वलीद पराचा के बाद आपने आना मलिक होटल के बिल्कुल सामने, मलिक होटल तो सभी को पता है ठीक है ना, जहाँ की निहारी और देरी रबड़ी हाउस उसके बिल्कुल सामने इनका, ये बहुत ही जबरदस्त था, छोटी सी जगह है लेकिन मैंने इनका सुना है कि टेस्ट वगैरह अच्छा है, तो मैंने बीफ चीज़ शवारमा ऑर्डर किया एक, और वो टेस्ट करेंगे, आपको बताएंगे कैसा है, और इस वीडियो में आपके साथ शेयर करें। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे? बिल्कुल करें। हारिस उस्मानी ब्लॉग्स फूडीज को ठीक है, बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कर देना और अपने फ्रेंड एंड फैमिली में भी बता देना ठीक है। जबरदस्त हो गया भाई, मोबाइल निकालो यार, अब भी हो जाएगा। ओके, तो आपके सामने यहाँ पे देखे जबरदस्त है, बोर्ड भी लगा हुआ है, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। और ये देखें जी, ये बीफ का है और ये कबाब बेहतरीन सा तैयार है, यहाँ सारा चिकन का आइटम है, एंड ये सारी सॉसेज वगैरह जो हमें चाहिए वो डालते हैं या अपने हिसाब से सॉसेज डालते हैं? हिसाब से सॉसेज डालते हैं टेस्ट के लिए सर, टेस्ट के हिसाब से। ओके, अच्छा ये सारा घर में कटिंग करके लाते हैं या इधर ही कटिंग होती है? इधर ही कटिंग करते हैं। और ये कौन सी चीज़ है यार, लाल चटनी बड़ी जबरदस्त है। ओके ओके, अच्छा ये फ्रोजन वाला, ये सारा अपना वो देसी बना हुआ है? देसी वाला, देसी है। वाह यार वाह, क्या बात है। तो देखिए भाई यहाँ पे हो गया है, एंड देन अब ये पीटा ब्रेड उठाएंगे, और ये जो एक रिवायती तरीक़ेकार है बनाने का शवारमा, इसके अंदर आग के अंदर सेकेंगे इस पीटा ब्रेड को, एंड देखेंगे क्या सीन सपाटा है। ओके भाई, ये देखें ज़बरदस्त सी वन साइड इसकी हो गई है, और ये सेकंड साइड भी आप देखो बेहतरीन। अच्छा, ये चिकन का आपने पहले से बना के रखा जी? चिकन का बना के रखा, और ये सारी ये पीटा ब्रेड हो रहा है। ओके माशाल्लाह से, और ये देखें जी, पर मसाला तेज रखना नॉर्मल, बिल्कुल जैसा आप बनाते हैं ना ऑथेंटिक टेस्ट वैसे ही बनाइएगा। ओके भाई, ये देखो भाई ये क्या डाला आपने, ये मायो सर, क्या बात है। ओ हो, ये तो लग रहा है वो लहसुन वाली चटनी लग रही है, लहसुन वाली चटनी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वेरी नाइस है, तो ये मुझे लग रहा है थोड़ा सा स्पाइसी टेस्ट दे देगी। बिल्कुल, क्या बात है। और यार आज ठंड भी है तो कितना मज़ा आ रहा है यहाँ, गर्मी जो निकल रही है इसमें से। हाँ ये आ गई अपनी बंद गोभी, देन कुकम्बर आ गया, उसके अलावा थोड़ा सा डालेंगे ताकि ज़्यादा मुंह में रंग ना आ जाए, गाजर भी आ गया, और ये शिमला मिर्च जी सर, वेरी नाइस है, क्या बात है क्या बात है। ओके जी, अब यहाँ पे जो हमारा ये बीफ था, ये बीफ आया और ये बीफ इसके अंदर आ गया, वेरी नाइस है, क्या बात है क्या बात है, एक्सीलेंट हो गया भाई ये सर, वाह क्या बात है जी। और अब जो है ना यहाँ पे इसमें डालेंगे चीज़, तो ये जो शवारमा है ना इस वक्त वेरी नाइस, तो ये आ गया इससे चीज़, एंड अब क्या करेंगे तो फिर से हल्का सा करेंगे हम गर्म है ऐसे ही जी सर। ओए होए होए होए, क्या बात है क्या बात है, वेरी नाइस। तो यहाँ पे हमारा शवारमा रेडी हो गया, अब टेस्ट करते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। ओके जी, ये देखें जी शवारमा अब रैप हो रहा है, वेरी नाइस, क्या बात है।
और रवायती स्टाइल में हमारा शवारमा, उसके कर देंगे हम दो टुकड़े। बिस्मिल्लाह। ओके जी, ये हो गए इसके दो टुकड़े और अब हम इसको ट्राई करने जा रहे हैं। अच्छा जी, शवारमा बीफ चीज शवारमा मैंने तो पहले कभी खाया नहीं, मैंने नॉर्मली चिकन शवारमा ही खाया, लेकिन यहाँ देखें आपके सामने है ये रहा बीफ चीज शवारमा। और ये हाफ मैं इसको निकालूंगा और अपनी वाइफ को दूंगा ताकि वो भी इंजॉय करें, और अब हम आपके साथ शेयर करेंगे कि भैया कैसा टेस्ट है इसका। तो जल्दी से इसको अनरैप करते हैं और ये हो गई हमारी फूड अनबॉक्सिंग, ठीक है ना, ये हो गई ज़बरदस्त सी फूड अनबॉक्सिंग और अनरैपिंग इसको कह लें। काफ़ी सारी लेयर्स चढ़ी हैं इसके ऊपर। ओके ये देखिए भाई, ज़बरदस्त जो है ना शवारमा अंदर से निकल आया, और ये देखिए क्या बात है यार, वेरी नाइस है, एक्सट्रीमली डिलीशियस। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ते हैं। वाओ, जो बीफ और चीज़ का टेस्ट है ना, क्या बात है, प्रॉपरली टेंडर्ड एंड कुक। अरे यहाँ पे कुछ सॉसेज वगैरह भी, उस सॉस के साथ भी करते हैं ट्राई। ये गार्लिक सॉस और मेयोनीज सॉस है, अब गार्लिक सॉस के साथ भी ट्राई कर रहा हूँ। क्या बात है, बहुत डिलीशियस। अच्छा बहुत ज़्यादा जूसी है यार, बाय द वे इसमें कोई शक नहीं। आपको कैसा लगा? ओए 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 ओए, इसके लिए तो यही था कहना था। अरे इतना जूसी और इतना टेस्टी शवारमा मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं खाया। इसकी रेटिंग के हवाले से बात कर लेते हैं, इसको 10 में से दूंगा 8 मार्क्स, और वाकई में रिकमेंडेशन 100% आए ट्राई करें। दिल्ली रबी राउत के बिल्कुल सामने है, मलिक होटल के बिल्कुल सामने है, हॉट एंड सिजलिंग के नाम से बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन फूड है। इस वीडियो करता हूँ यहाँ पे, मेरे चैनल हारिस उस्मानी ब्लॉग फूडीज और पाकिस्तानी अनबॉक्सिंग को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोग को आ जाए नोटिफिकेशन। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर, अनटिल देन अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह।